हरदा जिले की ग्राम अतरसभा में मृतक किसान के परिजन से मिलने पहुंचे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शर्म करो के नारे लगाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा गठित जांच समिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी एवं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक कुणाल चौधरी सोमवार की शाम हरदा के पास स्थित ग्राम अर्तल समा पहुंचे। यहां पर कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी करने वाले किसान लक्ष्मी नारायण जाट के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी हर समय खड़ी है। प्रदेश सरकार से मदद के लिए पीड़ित परिवार की लड़ाई हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी जाएगी। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से धक्का मुक्की करने के साथ ही कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान ने कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या नहीं की है। मृतक पिछले 10 साल से मानसिक रूप से परेशान था और शराब पीने का भी आदी था। देखा और इसके पहले जो चर्चाएं हो रही थी सभी गांव वाले और उनके परिजन से जब बात की तो वो कल से दुखी है कि हम इतने छोटे किसान हैं, आज तक कोई मदद करने हमारी गांव में कभी नहीं आया और आज हमारे साथ इतना संकट का जब समय आया है तो पूरी राजनीति लगा दी है। सुबह से कांग्रेसियों के फोन आ रहे हैं, आपको 5 लाख 10 लाख नकद दे दें हम, और आप उल्टा बयान दो कि ये किसान ने कर्ज से आत्महत्या की। हम बता रहे हैं वो 10 साल से मेंटल उसकी प्रॉब्लम थी, ड्रिंक करता था और इसके कारण उसने एक कदम उठाया। हम इतने दुखी हैं वो हमें पता है, हमारा समाज का व्यक्ति चले गया, लेकिन हमारे ही कुछ समाज के लोग राजनीति अपनी चमकाने के लिए उन लोगों को आज हमारे गांव में लेके आए और सभी कांग्रेसियों ने और उमा शंकर बिश्नोई किसान नेता और बाद में जब वहां से निकलते हैं 2 मिनट बाद तो बाहर निकल के हमें धमकी दी जाती है, देख लेंगे तुम्हारे को, ये बहुत गलत हुआ है। और हमें हमारे नेता हरदा में कमल पटेल है, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं, किसानों का सहयोग करते हैं, हमें इस प्रकार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे पर सिर्फ किसी को भी वहाँ पे कोई फायदा देना या किसान की मृत्यु क्यों हुई इसका कोई औपचारिक, सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने के हिसाब से यहाँ पे आए अपन ने, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे जो भी अपनी राजनीति करना, ऊपर से यहाँ पे प्रदर्शन दिखाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ पे कोई मुआवजा दिया या फिर सामने वाले के घर को कोई संतुष्टि दी, सामने वाला आज नहीं पिछले 2 साल से उन जब कांग्रेस ने 2 लाख रुपए भी नहीं दिए तब से भी आप बात परेशानी करेंगे, सामने वाला कहीं मानसिक प्रताड़ित था, कहीं से कहीं तक कोई मुआवजा या फिर इसके लिए कहीं से कहीं तक परेशान नहीं था, वो रिश्ते में मेरा साला लगता है और मानसिक धारणा से कोई मतलब मानसिक खराब है। इस कारण आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने किसी पार्टी या मुआवजा या इसके लिए उसने आत्महत्या करी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी राजनीति दिखाने के लिए प्रदेश स्तर पे लोग आए, उससे कोई भी औचित्य नहीं बनता है। आपने उन लोगों को बाहर क्यों भगाया, मतलब मैं उन उस घर का सदस्य हूँ, मैं उसका परिवार का हूँ, ये बैठने के लिए हमारे घर में आते हैं तब मौन रह के 2 मिनट बैठ के चले जाते हैं, ये वहाँ पर बुला रहे हैं आपको कैसे हुआ क्या हुआ, ये सिर्फ एक हाँ जुलूस दिखाना, एक हाँ एक बात बताना। हमारे यहाँ पे हमारा नेता हमारी पार्टी ये वो जो भी है पर हमारे घर का सदस्य खत्म हुआ है, इसके कारण हम पार्टी और उसको औचित्य नहीं देते, चाहे कुछ भी हो हम पार्टी लेवल पे बात नहीं करते, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इनके किसान कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी को भगा देना या उनके साथ वालों को भगा देना, वो भी किसानों के द्वारा, ये इस बात का द्योतक है कि किसान के साथ में कैसी झूठ की राजनीति कांग्रेस करती है। और अब तो किसान स्वयं मुखर हो गया है। अरे था भाजपा पे आरोप लगाते,
किसान जो प्रदेश का समझता है कि इनके धोखे के कारण से ये स्थिति बनी है। इनने 10 दिन के अंदर 2 लाख के कर्जे की बात झूठी की, जिसकी वजह से उसने कर्जा नहीं भरा, ओवरड्यू हो गया, ब्याज चढ़ गया, नया कर्जा मिला नहीं और वो बेबस हुआ। इसलिए कांग्रेस को अब अंतर्मुखी भी होना चाहिए। वही पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा पीड़ित परिवार पर दबाव बना रही है। मृतक किसान के ऊपर 4 लाख रुपए का कर्ज था और उसकी फसल खराब हो गई थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। इस दौरान जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। एक किसान जब आत्महत्या करता है तो सिर्फ वो व्यक्ति के रूप में आत्महत्या नहीं करता, किसान की वेदना आत्महत्या करती, उसका दर्द आत्महत्या करता है। आप देखा आपने पूरा घटनाक्रम, परिवार में एक बेटा है, एक बहन है उसकी, उनके जवाई साहब है, काका बाबा में है, अब घर में कोई बड़ा नहीं है, उनके पिताजी पहले शांत है। ये एक उदाहरण है जो किसान आत्महत्या करता है, कहीं भी करे, किसी भी जिले में करे, मेरे इंदौर में क्यों ना। तो इस वेदना को हमें जीना और समझना चाहिए। मैं मानता हूँ कृषि मंत्री जी का गृह क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, पर जिस तरह की घटना या घटी, आप देखो कि जबरदस्ती प्रेशर बनाना परिवार पे कि कुछ बोलना मत। एक किसान को कहते हैं तो मेंटली रिटायर्ड था, ये तो पागल था, ऐसे ही बोलता रहता था, दारू में नशे में ही रहता था 24 घंटे, लोग वहाँ बोल रहे थे 3-4 लड़के। तो 3-4 लड़के ये बताने की कोशिश हो रही है कि किसान है वो आत्महत्या उसके दर्द से नहीं की। वो एक पास में ताऊ जी बैठे थे, उनसे मैंने पूछा क्या था, उन्होंने कहा 4 लाख का कर्ज था, बैंक गया, बीमा नहीं मिला, आके आत्महत्या कर लिया। आप लोगों ने लिखा भी है सब अखबारों में, टीवी में, न्यूज़18 में मैंने खबर देखी। तो उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम, अब नारेबाजी लगाना या कांग्रेस बीजेपी की बात करना इशू नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। ये जब एक किसान की वेदना की बात आती, पार्टी तो आती, चुनाव आएंगे, आरोप प्रत्यारोप आएंगे और जाएंगे। ये जीतू पटवारी है, ये कभी इस तरह की घटनाओं में लिप्त नहीं होता पार्टियों। जब किसान की बात आई तो हमारा धर्म है, दायित्व है, आना है हमें। जहाँ जहाँ पता, पहली बार नहीं गया हूँ, कई जगह जाता हूँ पूरे प्रदेश में। शिवराज सिंह जी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवराज सिंह आते हैं, तो किसान की वेदना को लेकर एक जगह दूसरी जगह हम आए जाएंगे, जाना आना चाहिए। किसान की जब बात आती तो काय की पार्टियां और काय के विचार, केवल केवल इस तरह की बात करना। कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ है, बहादुरी से है। तो मैं मानता हूँ इस वेदना को सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने समझना चाहिए और बात करनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उनको इस तरह के कृषि मंत्री जी को ज्ञान मिले कि किसान आगे आत्महत्या ना करे। बहरहाल जीतू पटवारी और कांग्रेस नेताओं के साथ हुई धक्का मुक्की का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।